अब हम इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे? प्रकाश के अवयवी वर्णों का प्रकाश के अवयवी वर्णों, ये जो इसके अलग अलग अवयव है, अवयवी वर्णों का बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहलाता है। और अवयवी वर्णों का विभाजन होना यह विक्षेपण कहलाता है। तो यहां पर अवयवी वर्णों का बैंड है वह स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अगर अवयवी वर्णों का विभाजन होगा तो उसको हम विक्षेपण कहेंगे। प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन होना विक्षेपण कहलाता है। वर्णों का विभाजन विक्षेपण कहलाता है। तो इसी को हम विक्षेपण कहेंगे। तो यहां पर अवयवी वर्णों का विभाजनी विक्षेपण कहलाता है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। बैंगनी सबसे अधिक तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सबसे कम या कौन सा सबसे अधिक झुकता है। तो लाल प्रकाश सबसे कम और बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक। तो हम जो श्वेत प्रकाश होता है उसको हम ये मान सकते हैं कि वह सात वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। सूर्य का प्रकाश सात वर्णों से या सात रंगों से मिलकर बना होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वही इसके लिए सूर्य के प्रकाश के समान होता है।